बसम आज का सवाल यह है कि क्या इस्तेहादा वाली औरत रोज़ा रखेगी या नहीं औरतों को अल्लाह ताला की तरफ से तीन किस्म के खून का सामना करना पड़ता है नंबर एक वो जो रूटीन में हर महीने की उनकी रूटीन है वो तीन चार पाँच छः दिन या सात दिन जितनी भी उसकी आदत हो उसमें वो ना रोज़ा रखती है और ना नमाज़ पढ़ती है हती कि अगर इफ्तारी से थोड़ी देर पहले येमत शुरू हो जाए तो उस दिन का रोज़ा वो उसका जाया हो जाएगा और वो रोज़ा काउंट नहीं होगा और ये रोज़े वो बाद में जब लहत देता है अगले महीनों में वो रख लेती है दूसरी इनकी बीमारी की शक्ल बच्चे की पैदाइश के बाद है वो बाद औरतों को चंद दिन बाद को चंद हफ़्ते इसमें यह तस्वर के सवा महीना तक वो नमाज नहीं पढ़ेगी रोज़ा नहीं रखेगी ये तसवर दुरुस्त नहीं जैसे ही वो पाक हो नहाए नमाज पढ़े रोज़े रखे अल्बत्ता इबॉर्शन की शक्ल में अगर ऐसी चीज़ है ऐसा बच्चा है जिसके आज़ाद ज़ाहिर नहीं हुए हैं तो हाथ पाँव का वाज़ तरह का निशान नहीं है तो वो इस्तेहादा कहलाएगा वो निफ़ास नहीं कहलाएगा वो ऐसे खून की हालत में गुसल करेगी नमाजें पढ़ेगी रोज़े भी रखेगी और अगर बच्चे की खिलकत तो मुकम्मल हो और उसके बाद वो ज़ाया हो जाए तो फिर वो जितने दिन तक ये येमत ज़ाहर होती है वो नमाज रोज़ा नहीं रखेगी और जैसे ही पाक हो जाए हफ्ता बाद दस दिन बाद दो हफ्ते बाद तो वो नहा कर नमाजे पड़ेगी रोजे भी रखेगी इस्तेहादा इसकी एक शक्ल तो मैंने बता दी आपको कि बच्चे की खिलकत मुकम्मल नहीं थी तो उसके बाद वाला खून है ये दूसरा ये कि रूटीन में रूटीन के महाना पीरियड के बाद या उससे पहले अपनी रूटीन से हट ज़्यादा दिन उसको ऐसी ऐसी हालत का सामना करना पड़े ब्लीडिंग हो तो उसको इस्तेहादा बोलते हैं अहदिन नबूवत में एक औरत आई कहने लगी जी मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है मैं तो ऐसे जैसे बर्तन भर भर कर उंडेल रही हूँ तो आपने उसको यही तरीक़ा बयान किया था कि जो दिन आपके जवानी की रूटीन के हैं छः दिन या सात दिन उनको तुम बीमारी काउंट करो उसमें नमाज रोज़ा छोड़ो और जो बाद वाले दिन हैं उनमें नहाकर नमाज़ पढ़ो पर मैं रखदा तो मैं रख दा तो ये शैतान ने चौका लगाया अंदर से और कहीं से ख़ून आ रहा है ये असल वाला बीमारी वाला ख़ून नहीं है बाज़ मर्दों को पेशाब की तकलीफ़ होती है जैसे बोतल लगी हुई है या हर वक़्त पेशाब निकल रहा है या नहीं भी लगी हुई तो हर वक़्त निकलता है उनके कंट्रोल में नहीं होता इसी तरह हवा की तकलीफ़ बाद मर्दों औरतों को होती है जो उनके कंट्रोल में नहीं होती और बाद औरतों को ये इस्तेहादा की शक्ल होती है इन तीनों बीमारियों में वो नमा कपड़ा रखेंगे इसतंजा करके कपड़ा रखेंगे और वजू करके नमाज़ पढ़ेंगे जब तक नमाज उनकी जारी रहेगी उनका वजू कायम रहेगा जैसे नमाज ख़त्म हो जाएगी उनका वजू ख़त्म हो जाएगा अगरचे हवा खारिज ना भी हुई हो यानी उनका वजू एक उजर की वजह से कायम है और उजर क्या है कि अभी उसने नमाज पढ़नी है और जैसे उसकी नमाज़ ख़त्म होगी उसका उधर ख़त्म हुआ वजू भी ख़त्म हो जाएगा बाद भाई भी इस तरह की शिकायत करते हैं जी वो मुझे करने के बाद यूँ लगता है जैसे पेशाब का कतरा निकला है तो ऐसी सूरत में भी उनको चाहिए थोड़ा आदान होते ही उठ खड़े हों इसंजा कर लें जो उनको शक हुआ है दो एक बार चेक कर लें अगर तो उसमें सदाकत है वाक़ता पेशाब है तो फिर ठीक है अगर उनके बस में नहीं है क्या कि इंसान कंट्रोल कर सकता है हवा को पेशाब को उसको वो तो पेशाब निकलने की सूरत में दोबारा वजू करके नमाज ही पढ़ेगा लेकिन एक, एक कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो फिर कपड़ा रख ले और नमाज पढ़ता रहे पेशाब निकलता है तो निकलता रहे इसी तरह वो बीमार जो बेचारे बेड पर होते हैं उनको भी बैग लगा हुआ होता है वो भी इसी सूरत में नमाज़ें पढ़ेंगे नमाजों से छुट्टी नहीं जब तक होश कायम है नमाज से छुट्टी नहीं मिलती तो ऐसी तमाम सूरतों में ये औरतें और ये मर्द नमाज़ें पढ़ेंगे और जो उनकी कैफ़ियत है उसी कैफ़ियत में ही पढ़ेंगे वह आ